हेलो गाइस, मेरा नाम है वरुण। आप देख रहे हो मेरे रॉकी के व्लॉग्स, मतलब वी आर व्लॉग्स। ठीक है, चलो आज हम आए हैं एक भैया के पास और वहाँ पे एगुआनास एक्सप्लोर करने आए हैं। देखो कैसी कैसी एगुआनास हैं, छः टाइप के आई थिंक, छः या और ज़्यादा भी हैं, बहुत सारी एगुआनास हैं। अभी आप देखने वाले हो बहुत तगड़ी तगड़ी एगुआनास। और देखो अब मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ सेटअप के किंग से, ये हैं हार्दिक भाई। हेलो, हेलो गाइस, हाउ आर यू। ये देखो अब आप इनके बारे में बताओ, कैसी कैसी कौन सी ब्रीड है, क्या है, क्या है, इनके बारे में बताओ, क्या खाते हैं क्या नहीं। ये एक, इसको इगुआना बोला जाता है, ये वो हॉबी है जो अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। ये अभी लोगों में आज से 2-4 साल पहले लोगों को बहुत ही कम लोगों को पता था, बट अभी धीरे धीरे इसका इतना क्रेज़ बढ़ता जा रहा है, इतना क्रेज़ बढ़ता जा रहा है। और अच्छा भी है, देखो पेट्स को लेके क्रेज़ बढ़ना इंडिया में पहले नहीं था, बट अब बढ़ रहा है बाहर की तरह, तो बहुत अच्छा भी लगता है। ठीक है कि हम जैसे भाई बंधु इस चीज़ को फॉलो अप कर रहे हैं और एक नई हॉबी को इंडिया में लेके आ रहे हैं। ठीक है ना। ठीक है, अब आप इतनी सारी इगुआनास दिखा रहे हो, इनका नाम क्या है, ये ब्रीड क्या है, क्या है, मतलब इनके बारे में डिटेल्स दो ना। ये बेसिकली फ्लोरिडा से बिलोंग करती हैं। मैं वो इसमें बताता हूँ कि इसमें कौन कौन सी है और क्या क्या है। ये देखो कैसी ग्रीन कलर की, बिल्कुल ही कितनी फुर्तीली है। देखो ये है ग्रीन इगुआना, इसको बोलते हैं नॉर्मल ग्रीन इगुआना है ये। ठीक है, उसके बाद हम दिखाते हैं, ये है पाइट ग्रीन। ये देखो पाइट ग्रीन कह रहा हूँ, ये है हाइपो ग्रीन। ठीक है, देखो कितना प्यारा कलर है, प्योर ग्रीन होती है ये। ठीक है, देन उसके बाद आते हैं, ये है रेड पाइट। अब ये ब्राउन लग रही है, आगे जाके रेड होगी। देखो नहीं, ये देखो, ये ऊपर से रेड, नीचे से ग्रीन और बीच में से व्हाइट, जो कि हमारा देश के फ्लैग का कलर का रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, फिर उसके बाद दिखाता हूँ मैं आपको, ये है ब्लू। ठीक है, ये है ब्लू। सारी देख रहे हो कितने एक्टिव पीसेस हैं। उसके वापस करो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये है ब्लू, एक्वा ब्लू का बड़ा पीस है। देख रहे हो कितना बड़ा और कितना प्यारा पीस है। ठीक है, इसके बाद ये है ग्रीन की फीमेल। देखो इसकी टेल का कलर कितना ही प्यारा है। ठीक है, और देन इसके बाद आते हैं लुटिनो। लुटिनो इगुआना उसमें सबसे मोस्टली, मतलब टॉप पे ही चलता है, सबसे महंगा भी होता है और सबसे अच्छा भी लगता है। ठीक है, इसके बाद एक स्नो आता है, बट वो बहुत ही कम लोगों पे है, तो अभी सबसे टॉप पे तो येलो ही चल रहा है। देन उसके बाद है जो साइज में बड़ा है, ये हमारा बब्बर शेर। ये देखो कितना बड़ा है और ये किंग ऑफ, यहाँ का किंग है बिल्कुल ही, एक ड्रैगन ही है मान लो। ये करीब केज में भी नहीं आ रहा। देखो ये तो बस इसको अभी सिर्फ वीडियो के लिए रखा है, वैसे तो इनका बहुत बड़े बड़े एनक्लोजर्स बने हुए हैं। अब तो इनकी ब्रीड के बारे में तो आपने जान लिया, अब आओ चलो पूछते हैं खाने क्या खाती है। आओ हार्दिक भाई, ये खाना क्या खाती है? ये खाने में 100% प्योर वेजिटेरियंस होती है। मोस्टली लोगों को लगता है कि ये चिकन खाती होंगी या ये है, दिखने में डरावनी लगती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये मतलब प्योर वेजिटेरियंस होती है, इनको ग्रीन सैलेड में कुछ भी दे सकते हो, ग्रीन वेजेस दे दो, ग्रीन लीव्स दे दो, फ्लावर्स दे दो, और ओकेजनली फ्रूट्स वगैरह दे सकते हैं। फ्रूट्स में हम इसको पम्पकिन, फ्रूट्स में क्या कहते हैं इसको, पपाया दे देते हैं, बनाना दे देते हैं, बट वो ओकेजनली देना होता है। और कोई कोई तो नॉन वेज भी, नॉन वेज पे डिपेंड रहता है। नहीं, मोस्टली लोगों को लगता है कि नॉन वेजिटेरियंस होती है, बट ये नॉन वेज नहीं खाती, ये प्योर वेजिटेरियंस होती है, बस दिखने में ही लगती है, खतरनाक इतनी होती नहीं है। सुन लो गाइस, ये नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाती, ये लोगों को लगता है काटती है वगैरह, ऐसा कुछ तो नहीं है। नहीं, ये ऑलरेडी सारी टेम्ड है, देखो आपके हाथ में भी है, मेरे पास भी बैठी हुई है, कुछ भी नहीं कहती है। और इनका लाइफ स्पैन कितना होता है? बंदे कहते हैं ये जल्दी मर जाती है। नहीं, इतनी भी जल्दी नहीं मरती है। इसका लाइफ स्पैन अराउंड 12 से 15 साल, अगर आप अच्छे से रखते हो तो 12 से 15 साल कहीं नहीं जाता। एक डॉग के बराबर जीते, देखो कितना सही है। बहुत ही प्यारा, अच्छा पेट है, डिफरेंट पेट है, मतलब अच्छा लगता है इसको रखना। देखो कितना कितना फ्रेंडली है, ये बड़े वाला कुछ कह भी नहीं रहा इस छोटे वाले को। देखो ये प्लान, जैसे हम कोई इंसान प्लान करे कौन सी लेने, आप कौन सी सजेशन दोगे कि ये वाली लो, ये वाली? अब देखो मेन तो मैटर करता है कि आपका बजट क्या अलाउ करता है, और ऐसा नहीं कि मैं बोलूंगा कि सबसे पहले आप लुटिनोस लो या वो लो। अगर आप बिगिनर हो तो आप वैसे तो कोई भी लेके रख सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द 90% लोग ग्रीन से ही स्टार्ट करते हैं। ये वाली जैसे ग्रीन है, ये देखो गाइस ग्रीन कलर की, ठीक है, लोग इसी से ही स्टार्ट करते हैं। ये अच्छा भी है क्योंकि ये
रेगुलर कलर है जो मेन इनका कलर होता है, बाकी तो जैसे ये अपना लुटीनोज हो गए, हाइब्रिड हैं या जो भी हो गया, ठीक है, तो आप ग्रीन वगैरह से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपका थोड़ा बजट ऊपर अलाउ करता है तो आप ब्लू कर लो या लुटीनो ले लो। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, चलो बाय बाय।